हेलो नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बरसात को लेकर अलर्ट है। मौसम में परिवर्तन के साथ बूंदाबूंदी और बरसात देखने को मिलेगी, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ। लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत झारखंड में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड के कौन से जिले, गांव, शहर में रहते हैं। तो यहां पर मौसम विभाग की माने तो राज्य के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना है। इसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार जिले पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिमी मध्य भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना है और गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिलों पर आदि पर इसका असर देखने को मिलेगा। मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा, इसके बाद आसमान साफ और शुष्क रहेगा। रांची मौसम विभाग की माने तो कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार जिले में इसका असर है और इसी के साथ 24 से 48 घंटों के दौरान दोस्तों यहां पर शुक्रवार तक गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ आदि जिलों पर इसका असर देखने को मिलेगा। झारखंड में ठिठुरन बढ़ गई है, यहां पर 12 से अधिक जिलों में बरसाती गतिविधियां जारी रहेगी। 6 तारीख तक मौसम में हलचल होगी, नए साल के साथ ठंड बढ़ गई है। अब जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है सीधा असर देखने को मिल रहा है पूरे झारखंड पर। नए साल के साथ लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ज्यादातर लोगों ने दोस्तों घर में रहकर नए साल का जश्न मनाया था, लेकिन अब बूंदाबूंदी के साथ मौसम विभाग की मान तो आज से कई जगहों पर मौसम बदलेगा। पश्चिम विक्षोभ का असर कम होने के कारण पूरे राज्य में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान झारखंड राज्य के कुछ हिस्सों में उत्तर पश्चिमी इलाके में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की से मध्यम दर्जे की यहाँ पर बूंदाबूंदी देखने को मिलेगी। वही दोस्तों मौसम में ठंडक उतार चढ़ाव जारी और बादलों की वजह के साथ हल्की बूंदाबूंदी होने के हुए नजर आ सकती है। भाई दोस्तों कई जगहों पर धुंध भी छाई रहेगी, उतार चढ़ाव जारी और अगले 24 घंटों के दौरान विशेष रूप से झारखंड में मौसम में परिवर्तन होगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया कि यहां पर दोस्तों कोहरा और धुंध छाए रहने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। झारखंड में बारिश के आसार है। उत्तर पश्चिमी भागों में पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा जिले में कहीं कहीं पर हल्की बरसात की संभावना है और 24 से 48 घंटों के दौरान शुक्रवार तक पश्चिमी और मध्य भागों में रांची, बोकारो, गुमला और खूंटी, हजारीबाग समेत रामगढ़ समेत बूंदाबूंदी और बरसाती गतिविधियां देखने को मिल सकती है। झारखंड में कोहरे की अधिक से अधिक मात्रा देखने को मिल रही है। मौसम शुष्क और सुहावना है। झारखंड की राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों पर मौसम का मिजाज बदलते हुए नजर आ रहा है, साथ में बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है और कल से दोस्तों बारिश के आसार भी देखने को मिलेंगे। रांची में इस वजह से टूटा 5 सालों का रिकॉर्ड। तो दोस्तों मौसम विभाग की मान तो झारखंड में जो है राजधानी रांची में 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। ठंड के प्रकोप के साथ यह असर अलग से अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों में जनवरी महीने में न्यूनतम तापमान के आंकड़ों पर नजर डाले तो 6 डिग्री के आसपास रहा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज्यादा दोस्तों यहां पर पहले की तुलना में जो है ज्यादा गर्म देखने को मिला मौसम, यानी कि न्यूनतम तापमान दोस्तों जो है 6-7 की जगह 11 डिग्री तक देखने को मिला तापमान। यानी दोस्तों ठंड तो नहीं, लेकिन दोस्तों यहां पर तापमान अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगले 3 से 4 दिनों तक झमाझम बरसात को लेकर अलर्ट है झारखंड में। पिछले 24 घंटों में सबसे कम गिरिडीह में न्यूनतम तापमान 7.9 रिकॉर्ड किया गया। रांची का न्यूनतम तापमान यहां पर दोस्तों जो है 10.8 और इसी के साथ जमशेदपुर में 14, डाल्टनगंज में 11 और बोकारो में 10.1, चाईबासा में 11.2, देवघर में 9.9, गढ़वा में 10.8 और रामगढ़ में 9.9 के करीब और गोड्डा में 12.3 के करीब तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मान तो न्यूनतम तापमान में बदलाव उतार चढ़ाव जारी है और यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जिलों का न्यूनतम तापमान में 1 से 5 डिग्री तक काफी ज्यादा जगहों पर बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। रांची का न्यूनतम तापमान 1.5 के करीब यहां पर बढ़ोतरी हुई है। जमशेदपुर में 4.4, डाल्टनगंज में 2.3, बोकारो का 1.1, चाईबासा का 1.0 और यहां पर विभिन्न इलाकों पर तापमान बढ़ने के साथ मौसम में ठंडक आई है। अब दोस्तों ज्यादातर इलाकों पर धनबाद समेत मौसम में ठंडक रहेगी, उतार चढ़ाव जारी है और बादलों की वजह के साथ परिवर्तन भी जरूर देखने को मिलेगा और मौसम ठंडा और सोना रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। आपके यहाँ पर दोस्तों मौसम में ठंडक और परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं पूरे झारखंड में, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। एक एक जिले की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोहरदगा में रात के समय 12, 13, 14 तो दिन में 22, 23, शुक्रवार तक हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। मौसम में परिवर्तन के साथ उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव होते हुए नजर आएगा। यहाँ पर लातेहार में दोस्तों 12-13 रात के समय दिन में 24-25 बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुला और ठंडा सोना रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में 12-13 रात के समय दिन में 22-23 शुक्रवार तक हल्की बूंदाबूंदी होगी। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक है, मौसम मिला जुला भी रहेगा और परिवर्तन होते हुए नजर आएगा।
खूंटी की बात करें तो 12, 13, 14 रात के समय, तो दिन के समय दोस्तों 23, 24 डिग्री तापमान रहेगा। बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा। जामताड़ा में 13, 14 रात के समय, दिन में 23, 24 शनिवार तक हल्की बूंदाबूंदी, बरसात की गति तेज रहेगी, मौसम मिला जुला और परिवर्तन जारी रहेगा। हजारीबाग में 12, 13 रात के समय, दिन में 22, 23 शनिवार को हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रहेगा। गुमला का मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन है। शुक्रवार शनिवार को हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों के साथ शुक्रवार शनिवार को हल्की बूंदाबूंदी देखने को मिल सकती है। गिरिडीह में 12, 13 रात के समय, तो दिन के समय 22, 23 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, शनिवार तक हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। गिरिडीह में दोस्तों रात के समय 13, 14, तो दिन में 22, 23, शुक्रवार शनिवार तक हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। मौसम में ठंडक के उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन के साथ मौसम मिला जुला भी रिकॉर्ड किया जाएगा। गढ़वा की बात करें तो गढ़वा में काफी ज्यादा जगहों पर मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है, बादल छाए रहेंगे और शुक्रवार तक हल्की बूंदाबूंदी और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना देखने को मिल सकता है और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। इसी के साथ पूर्वी सिंहभूम का मौसम बदलेगा दोस्तों, रात के समय 15, 16, 17, तो दिन में 26, 27, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ शनिवार तक बूंदाबूंदी होते हुए नजर आएगी। इसी के साथ यहां पर दोस्तों दुमका में बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहेगा। शनिवार तक बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में ठंडक और मौसम में बदलाव होते हुए नजर आएगा। यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे धनबाद में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में ठंडक है, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहेगा और बादलों की आवाजाही के साथ बदलाव भी होते हुए नजर आ सकता है। इसी के साथ यहां पर देवघर की बात की जाए दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, देवघर में 13, 14, 15 रात के समय, दिन में 22, 23 डिग्री तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला रह सकता है और शनिवार तक बूंदाबूंदी होते हुए नजर आ सकती है, तो कई जगहों पर ठंडा और सुहाना मौसम देखने को मिलेगा। यहां पर काफी ज्यादा जगहों पर हलचल है, उतार चढ़ाव जारी और बादल भी छाए रहेंगे, मौसम में ठंडक के साथ परिवर्तन होते हुए नजर आएगा, तो तेज हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही के साथ शनिवार तक बादल छाए रहने और ठंडा सुहाना रहने के आसार कई जगहों पर देखने को मिलेगा। वही दोस्तों मौसम विभाग की माने तो यहां पर जो है ना तापमान काफी ज्यादा दिनों पर जो है बढ़ोतरी के साथ दर्ज किया जा रहा था, लेकिन अब ठंडक जरूर आएगी और मौसम विभाग की माने तो यहां पर मौसम मिला जुला रहने के आसार भी विभिन्न हिस्सों पर देखने को मिल सकता है। बोकारो समेत बादल भी छाए रहेंगे, शनिवार तक भारी बादल छाए रहेंगे। यहां पर दोस्तों चतरा की बात की तो 12, 13 रात के समय, दिन में 22, 23 बादल छाए रहेंगे, शुक्रवार शनिवार से हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, मौसम मिला जुला रह सकता है और भी ज्यादा परिवर्तन होते हुए नजर आएगा। सिमडेगा की बात करें तो 13, 14, 15, 16, 17 रात के समय, तो दिन के समय जो है ना शुक्रवार तक हल्की बूंदाबूंदी होगी, बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक है, मौसम मिला जुला रह सकता है, परिवर्तन होने के आसार और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे और बादलों की वजह के साथ बदलाव होते हुए नजर आएगा। यहां पर बताया जा रहा है कि खरसाओं में 14, 15, 16 रात के समय, तो दिन के समय 24, 25 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला भी रह सकता है और बादलों की वजह के साथ बदलाव होते हुए भी नजर आएगा और ठंडा और सुहाना मौसम अधिक से अधिक देखने को मिल सकता है। यहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे सरायकेला में 14, 15, 16 रात के समय, तो दिन के समय 24 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला भी रहेगा, बादलों की वजह के साथ बदलाव होते भी नजर आएगा और मौसम ठंडक अधिक से अधिक जगहों पर देखने को मिलेगा। साहिबगंज की बात करें तो 12, 13 रात के समय, दिन में 22, 23 के करीब तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, उतार चढ़ाव जारी है, तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और मौसम मिला जुला भी रह सकता है और बादलों की वजह के साथ बदलाव होते हुए भी नजर आएगा और कुछ इलाकों पर और भी ज्यादा ठंडा और सुहाना मौसम रहते हुए नजर आएगा। और यहां पर बताया जा रहा है कि 24 तारीख तक मौसम कुछ जगहों पर साफ सुहाना भी देखने को मिल सकता है। यहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों पूरे के पूरे जो है ना राजधानी रांची में 12, 13 रात के समय, दिन में 23, 24 के करीब तापमान रहेगा, बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में ठंडक है, मौसम मिला जुला रहेगा और परिवर्तन होते हुए नजर आ सकता है, तो कुछ जगहों पर मौसम ठंडा और सुहाना देखने को मिल सकता है और अनेक इलाकों पर बादलों की आवाजाही के साथ शनिवार तक भारी बादल छाए रहने के आसार है।